बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने समा में रखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुँच जाए। आज हम बना रहे हैं सिंधी बिरयानी। सिंधी बिरयानी मसाला घर पर रेडी करने के लिए हमने 2 टेबल स्पून साबत सूखा धनिया लिया, सफ़ेद ज़ीरा लिया है 2 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, दादर मिर्चें हैं ये मैंने 2 टीस्पून लिए, जायफल का टुकड़ा 1/3, उसका मतलब 3 हिस्से लेने हैं और 1 हिस्सा नहीं। ये 4 टुकड़े छोटे हमने दालचीनी के लिए हैं, छोटी इलायची ये 18 अदद है, लौंग ये 10 से 12 है, ये 1.5 बादियाँ का फूल है, ये 2 अदद बड़ी इलायची। इन सब को हमने जिसमें हम गरम मसाला पीसते हैं छोटे मसाले वाले डिब्बी, इसमें उसको ग्राइंड करके पीस लें। मसाला हमने पीस लिया है, अब इसके अंदर 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का डालें, तेज़पत्ते 3 अदद डालें, 1 टेबल स्पून भर के नमक का डालें, ये 20 से 25 अदद आलू बुखारी है इसको इसमें डाल दें, 1 टीस्पून इसमें हल्दी का भी शामिल कर लें। ये सिंधी बिरयानी मसाला हमने रेडी कर लिया है, इसको आप 2 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं किसी कंटेनर में डाल के। ये 2 किलो चावलों के लिए है। चिकन को मैरिनेट करने से पहले ये हम मसाले की तैयारी करते हैं। ये 3 अदद हमने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको हमने बड़ी बड़ी काट के तो इनको हमने फ्राई कर लेना है। चिकन को मैरिनेट करते हैं, इसके लिए हमने लहसुन का पेस्ट 4.5 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1/4, अदरक का पाउडर जो है वो 2.5 टेबल स्पून, अगर अदरक होगी तो वो आपने 4.5 टेबल स्पून करना, ये 2 किलो के लिए, 2 किलो चावलों के लिए। और ये जो सारा बिरयानी मसाला हमने सिंधी बिरयानी मसाला ये बना के रखा हुआ है इसको शामिल कर दें सारे को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 कप दही का शामिल करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें। 3 अदद प्याज जो हमने फ्राई करके रखी है उसमें से हम हाफ इसमें शामिल कर रहे हैं और हाफ जो है वो ऊपर जब चावलों को हम दम पे लगाएंगे तब शामिल करेंगे। ये 3 अदद टमाटर हैं, इनको हमने ब्रेक स्लाइस में काट लिया। ये हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं 7 अदद, इनको हमने ब्रेक ब्रेक काट लिया, ये भी सारे इसमें शामिल कर। ये चिकन है, ये 2.25 किलो हमारी चिकन है, ये सारे इसके अंदर मैरिनेट करके इसको हमने आधे घंटे के लिए रख दें कि जो मसाला है वो अच्छी तरह चिकन के अंदर चला जाए। अब बस इसको मिक्स करके तो हमें रख देना साइड पे या फ्रिज में रख दें। ये सारा मसाला हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया, इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। पाव आलू हैं, उनको हमने छील के तो काट लिया, अब एक बाउल में थोड़ा जर्दा रंग डाल के तो इनको इसमें डिप करके रख दें ताकि आलूओं के ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए। आपको पता है कि सिंधी बिरयानी में आलू मस्ट होते हैं, इसके बगैर सिंधी बिरयानी नहीं तैयार कर सकते। ये आलूओं को आधे घंटे के लिए इसमें भिगो दें, 1.5 कप ऑयल का, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, इसमें ये चिकन मैरिनेट की वो डाल दें, इसमें ये जो आलू हमने जर्द रंग में पानी में भगो के रखे हुए हैं इनको भी शामिल कर लें। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया इन पे। ये आलू डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दें। अब देसी का ढक्कन बंद कर दें ताकि हमारे आलू और चिकन अच्छे से गल जाए और दही का पानी भी खुशक हो जाए। आंच हमने तेज़ ही रखनी है क्योंकि चिकन पता जल्दी से गल जाती है।
चावलों को उबालने के लिए हमने पानी रख दिया है। पानी में 2 तेज़पात, 8 से 10 टेबल स्पून नमक के डालने हैं कि चावलों पे नमक का फ्लेवर आ जाए हल्का सा। एक अदर लेमन काट के वो डाल दें। 2 टेबल स्पून ऑयल के डालें और 2 टेबल स्पून सिरके के शामिल करें। सिरके से ये होता है कि जो हमारे चावल हैं वो जुड़ते नहीं और खिले खिले से पकते हैं। चावल को हमने 45 मिनट के लिए भगो दिया है। बिरयानी के लिए चावल थोड़े से कच्चे हमने बॉयल करने हैं। ये देखें, आलू हमारे गल गए हैं और चिकन भी गल गई है। दही का हमारा पानी खुशक हो गया है। दही का पानी हमने अच्छी तरह खुशक कर लेना है। चिकन हमारी रेडी हो गई है। ये देखें, चावल हमने बॉयल कर लिए हैं। चावल हमने थोड़े से कच्चे रखे हैं, वो दम में गल जाएंगे। दम पे लगाने के लिए हमने 3 अदर टमाटर काट लिए हैं, बड़ी बड़ी स्लाइस। ये 7 से 8 अदर साबुत हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी जूलियन कट अदरक है, 3 लेमन के स्लाइस हैं और ये 6 अदर बारीक हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना कटा हुआ है। ये थोड़ा सा हमने ज़रदा रंग डाला इसमें। 3 से 4 अदर केवड़ा के कतरे डाल दें। चले आइए, आप दम पे लगाते हैं। सबसे पहले थोड़े से चावल नीचे डाल दें। आगे जो चिकन हमने तैयार करके रखे हुए हैं ये डाल दें। अब ऐसे ही सारे तह लगाते हैं। ये जर्दा रंग, जर्दा कलर और केवड़ा शामिल कर दें और चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दें। ये तली हुई प्याज भी शामिल कर दें। आधी प्याज हमने चिकन में डाल दी थी और आधी हमने फ्राई करके तो निकाल ली थी। बीस मिनट के लिए हमने दम पे रख दिया है और नीचे तवा रख दें। पहले आंच 1 मिनट के लिए तेज़ करें, जब तवा गर्म हो जाए तो फिर हल्की आंच पे दम पे लगा दें। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सिंधी बिरयानी को दम आ गया। अभी हम चावल मिक्स कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी सिंधी बिरयानी रेडी हो गई है। देखने में भी इसका लुक बहुत अच्छा और खाने में ये बहुत यम्मी और बहुत टेस्टी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, अब इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।